नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। देखिए, बड़ी खबर शिवपाल यादव के हवाले से आ रही है। देखिए, अभी लगभग एक हफ्ते पहले से ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस, जो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, तो उस पर काफी अभद्र टिप्पणी की थी। और उन्होंने बोला था कि देखिए, जो रामचरितमानस है उसको जला देना चाहिए और उसको हमें बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसमें शूद्रों के खिलाफ यानी एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ यहाँ पर काफी अभद्र टिप्पणी की गई है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब ये टिप्पणी की गई, उसके बाद ऐसे काफी सारे कृत्य किए जाते हैं सपा कार्यकर्ताओं के अलावा, जिसमें रामचरितमानस को जला दिया जाता है। और इस पर देखिए, काफी हिंदुवादी संगठन जो है और जो काफी हिंदुओं उनकी उनकी देखिए काफी डिसरिस्पेक्ट किया गया है, ऐसा बोला था उन्होंने भी। जो स्वामी दीपांकर, उन्होंने तो देखिए पूरी रैली भी निकाली थी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। तो काफी कुछ देखिए सपा के खिलाफ इस वक्त चल रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान से। अब क्या हो रहा है देखिए कि यहाँ पर शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य से किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी जिस वक्त मैं खबर बना रहा हूं उससे एक घंटे पहले देखिए अभी बयान आया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो ऐसे बयान दे रहे हैं, वो उनकी अपनी निजी राय है। ये किसने बोला है? ये बोला है शिवपाल यादव ने, जी हाँ, जो कि अब पार्टी के राष्ट्र महासचिव बना दिए गए हैं, उनको बड़ा पद मिल गया है। तो इसने देखे काफी ज्यादा इस पर तीखा टिप्पणी कर रही है बीजेपी, और इस पर देखना होगा कि सपा जो है अब कैसे बचाव करती है। क्योंकि देखिए, सपा को अब हिंदू विरोधी कहा जा रहा है, क्योंकि रामचरितमानस को जब से जलाया गया है, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ही देखे कार्यकर्ता थे, तो इस वक्त सपा जो है वो चारों तरफ से घिरी हुई है इस रामचरितमानस को लेकर, उसकी टिप्पणी को लेकर। अब देखने वाली बात होगी कि जो हिंदूवादी संगठन है बीजेपी है वो इस चीज को कैसे देखती है, और जो जन आक्रोश रैलियां की जा रही है भाजपा की, जो राजस्थान में हो रही है, जो यूपी में हो रही है, और जो हिंदूवादी संगठनों की रैली है सपा के खिलाफ, उस पर देखें क्या कुछ रिएक्शन होता है सपा का, ये देखने वाली बात होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।